अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाएंगे व्हाइट चॉकलेट फज ब्लॉन्डीज, इसे हम व्हाइट चॉकलेट ब्राउनीज भी कहते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और बहुत ही ईजी रेसिपी है। हम इसे विदाउट ओवन बनाएंगे और इसमें बटर का यूज़ भी नहीं करेंगे। तो चलें फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। ब्लॉन्डीज बनाने के लिए सबसे पहले हम एक स्क्वायर पैन ले लेंगे और इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। साइड से भी अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ऑयल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद हम इसमें बटर पेपर लगा लेंगे। ये स्टेप आपको बहुत ही ध्यान से करना है। अगर आप ये स्टेप मिस कर देंगे तो आपकी ब्लॉन्डीज पैन के साथ ही स्टिक कर जाएंगी और इजीली रिमूव नहीं होंगी पैन से। पैन हमने प्रिपेयर कर लिया है। अब हम चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। व्हाइट चॉकलेट फज ब्लॉन्डीज बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, व्हाइट चॉकलेट फज ब्लॉन्डीज बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए 2 रूम टेम्परेचर एग्स। ब्राउन शुगर मैंने यहाँ पर लिया 3/4 कप। आप चाहें तो नॉर्मल शुगर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ। मैदा हमें चाहिए 3/4 कप, यानी कि 1/2 कप और 1/4 कप। मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पर लिया 1/3 कप। ऑयल 1/2 कप। 1/2 कप हमने व्हाइट चॉकलेट लिया और सॉल्ट हमें चाहिए 1 पिंच। व्हाइट चॉकलेट को आप माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए मेल्ट कर लेंगे। मैदे में हम ऐड करेंगे मिल्क पाउडर और साथ ही सॉल्ट ऐड कर देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसे हम साइड पर कर देंगे और एक बाउल ले लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप ऑयल और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ब्राउन शुगर और अब हम इसे अच्छे से बीट कर लेंगे 5 से 7 मिनट के लिए। मैं यहाँ पर बीटर यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो हैंड विस्कर भी यूज़ कर सकते हैं। सात मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से बीट किया। अब हम इसमें एग्स ऐड करेंगे। पहले एक ऐड करेंगे और इसे 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। तो एक अंडा डालने के बाद हमने इसे 2 मिनट के लिए बीट किया। अब हम स्पैचुला की हेल्प से साइड से स्क्रैप कर लेंगे। अब हम इसमें दूसरा अंडा भी ऐड कर लेंगे और अब इसे भी अच्छे से 2 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। एग्स बीट करने के बाद अब हम इसमें मेल्टेड व्हाइट चॉकलेट ऐड कर लेंगे और अब इसे भी अच्छे से बीट कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि सब चीजें अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए। तो व्हाइट चॉकलेट सब चीजों के साथ अच्छे से वेल कंबाइन हो गई है। अब जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके साइड पर किए थे, इसे ऐड करेंगे। 2 to 3 बैचेस में हम इसे ऐड करेंगे और इसे बीट करते जाएंगे। अब बिल्कुल स्लो स्पीड पर हम इसे मिक्स करेंगे। फिर से ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और अब बाकी का भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे अच्छे से। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। यहाँ पर हमारा बीटर का काम खत्म हो गया और बैटर हमारा रेडी हो गया। साइड से हम इसे एक बार स्क्रैप कर लेंगे, इसे स्पैचुला की हेल्प से एक बार फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। तो व्हाइट चॉकलेट फज ब्लॉन्डीज के लिए बैटर हमारा रेडी है। अब हम इसे पैन में पोर कर लेंगे। तो ये देखिए आप, हमारा बैटर बिल्कुल लम्स फ्री रेडी हुआ है। इसी तरह से लम्स फ्री बैटर आपको भी रेडी करना है। बैटर पोर करने के बाद अब हम इसे टैप करेंगे ताकि इसमें जितने भी एयर बबल्स हैं वो रिमूव हो जाए। तो इसे 2 से 3 बार टैप करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से एक नाइफ ले लेनी है और इसमें इस तरह से आपने इसे चलाना है। आपने बस ये ध्यान रखना है कि ये पैन के साथ टच ना करे नाइफ, अदरवाइज आपका जो बटर पेपर है वो फट भी सकता है। नाइफ की जगह यहाँ पर आप टूथपिक या वुडन स्टिक भी ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके जितने भी एयर बबल्स रह गए होंगे वो भी रिमूव हो जाएंगे।
तो सभी एयर बबल्स रिमूव हो गए हैं। अब हम इसे बेक कर लेंगे। बेक करने के लिए मैंने एक पतीला लिया और उसमें जाली स्टैंड रख के इसे 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर प्रीहीट कर लिया। अब हम इसमें पैन रखेंगे और इसे कवर करके 40-45 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक कर लेंगे। तो यहाँ पर तकरीबन 42 मिनट्स हुए हैं। अब हम इसे चेक कर लेंगे। तो इस तरह से एक वुडन स्टिक लेंगे और इसमें लगाएंगे। तो ये देखें आप, इस पर बैटर लगा हुआ है। तो जब इस पर इतना सा बैटर लगे तो आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है, और अगर इसे ज़्यादा बैटर लगे तो मतलब आपने इसे 5 मिनट के लिए और बेक करना है। लेकिन अभी ये परफेक्टली रेडी है। अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसे पैन से रिमूव कर लेंगे। तो पैन से हमने निकाल लिया। अब हम साइड से बटर पेपर रिमूव कर लेंगे। अब हम एक नाइफ ले लेंगे और उसकी हेल्प से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग हमने कर लिया। अब हम इस तरह से नाइफ की हेल्प से ब्राउनी को बटर पेपर से रिमूव कर लेंगे। तो ये देखें, हमारी व्हाइट चॉकलेट फज ब्राउनीज रेडी हैं। अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे। तो तैयार है हमारी व्हाइट चॉकलेट फज ब्राउनीज। आप देख सकते हैं कि टॉप पर कितने अच्छे से क्रैक आए हैं, और बहुत अच्छी फज ब्राउनीज हमारी रेडी हुई हैं। तो मुझे ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।